हार्दिक स्वागत है। स्टैंडर्ड फोर सब्जेक्ट हिंदी लेशन नंबर 14 गुरु दक्षिणा। इसका हमें मौखिक प्रश्नों का अभ्यास करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है मौखिक प्रश्न में, एकलव्य के पिता का नाम क्या था? तो उसका आंसर है एकलव्य। एकलव्य के पिता का नाम हिरण्यधनु था। क्वेश्चन 2 है, एकलव्य को कौन सी शस्त्र विद्या सीखनी थी? तो आंसर नंबर 2, एकलव्य को धनुर्विद्या शस्त्र शस्त्र विद्या सीखनी थी। आंसर नंबर 2, एकलव्य को धनुर्विद्या शस्त्र विद्या सीखनी थी। क्वेश्चन 3, एकलव्य किसके पास गया? तो उसका आंसर है एकलव्य गुरु गुरु द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य के पास
पास गया। क्वेश्चन फोर है, पांचों पांडवों के नाम बताइए। तो युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल। नकुल, सहदेव, सहदेव, पांचों पांडवों, पांचों पांडवों के नाम है। आंसर नंबर थ्री है, एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। आंसर फोर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांचों पांडवों के नाम है। क्वेश्चन टू, लिखित प्रश्न में क्वेश्चन नंबर वन में गुरु द्रोणाचार्य ने किसको क्या वचन दिया था। भीष्म, भीष्म पितामह को वचन दिया था कि दिया था कि राजकुमारों
राजकुमार के अतिरिक्त अतिरिक्त वे किसी किसी को भी किसी को भी शस्त्र शिक्षा शिक्षा नहीं देंगे आंसर नंबर वन है गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह को वचन दिया था कि राजकुमारों के अतिरिक्त वे किसी को भी शस्त्र शिक्षा नहीं देंगे। क्वेश्चन टू है गुरु द्रोण द्वारा शिक्षा न दिए जाने पर एकलव्य ने क्या किया। तो उसका आंसर है एकलव्य ने जंगल में एकांत स्थान चुनकर चुनकर गुरु गुरु द्रोण द्रोण की एक मूर्ति बनाई उसी मूर्ति के समक्ष वह
धनुर्विद्या धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। नंबर टू, एकलव्य ने जंगल में एकांत स्थान चुनकर गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाई। उसी मूर्ति के समक्ष वह धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। आंसर नंबर थ्री, गुरु द्रोणाचार्य किसको लेकर कहां गए थे? तो उसका आंसर है गुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों कौरवों को लेकर जंगल में शस्त्र शिक्षा शिक्षा का अभ्यास अभ्यास करने गए जंगल में शस्त्र शिक्षा का अभ्यास करने गए। आंसर नंबर फोर,
इसे देखकर भौंकने लगा। तो उसका आंसर है कुत्ता। एकलव्य को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। आंसर नंबर फोर है कुत्ता एकलव्य को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। आंसर नंबर फाइव एकलव्य ने कुत्ते के साथ क्या किया। तो उसका आंसर है एकलव्य ने सात बाल लिए और उन्हें धनुष पर चढ़ाकर कुत्ते पर छोड़ दिए। वे सातों कुत्ते के मुंह में इस तरह छाकर फंस गए। कि उसका भौंकना बंद हो गया।
आंसर 5 एकलव्य ने सात बाण लिए और उन्हें धनुष पर चढ़ाकर कुत्ते पर छोड़ दिए। वे सातों बाण कुत्ते के मुंह में इस तरह जाकर फंस गए कि उसका भौंकना बंद हो गया। आंसर नंबर 6 क्वेश्चन है, गुरु दक्षिणा में गुरुजी ने एकलव्य से क्या मांगा? तो उसका आंसर है गुरु दक्षिणा में गुरुजी ने एकलव्य से दानी ने हाथ का अंगूठा मांगा। आंसर 6 गुरु दक्षिणा में गुरु जी ने एकलव्य से दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। पेज नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 1 काव्यांशो सॉरी वाक्यांशो वाक्यांशो के लिए एक शब्द वाक्यांशों के लिए एक शब्द फर्स्ट है विद्या प्राप्त करने वाला। तो आंसर नंबर 1 विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी। नंबर 7 पढ़ने वाला तो सहपाठी।
तीन नंबर शिक्षा देने वाला अध्यापक फोर नंबर नीति को जानने वाला नीतिज्ञ फाइव नंबर अभिनय करने वाला अभिनेता तो फर्स्ट नंबर है विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी टू नंबर साथ पढ़ने वाला सहपाठी थ्री नंबर शिक्षा देने वाला अध्यापक फोर नंबर नीति को जानने वाला नीतिज्ञ फाइव नंबर अभिनय करने वाला अभिनेता होमवर्क पेज नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 1 वाक्यांश शो के लिए एक शब्द वो आपको हिंदी की नोटबुक में वर्डमैप लिखना है बाय We'll be right back.